सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में दिखाऊंगा इरेंगल 2.2 में आने वाला एक विंटर मोड जो कि आएगा 1.1 अपडेट में। एंड यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कुछ फीचर्स एंड एक जो विंटर फेस्टिवल पाइन ट्री था वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप एंटर करोगे मैच में, सो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है विंटर कासल पैराडाइज जो कि सीजन 11 में आया था। ये रिटर्न दिया है पबजी मोबाइल वालों ने। एंड गाइज, वेदर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा कर दिया पबजी मोबाइल ने। एंड गाइज, यहाँ पे आपको जो स्की देखने को मिलती है इसका जो कलर था वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया पबजी मोबाइल ने। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड तो गाइस जो जो स्की है आप यहाँ पे जो आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, तो गाइस इस पे भी जो स्की आप कर सकते हो। एंड गाइस आपको रूट वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आप अपनी टीम को बता सकते हो आपको किस जगह पे आपको रोटेशन करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो आपको कहाँ से कहाँ जाना है। एंड गाइस ये जो आइस ग्लेशियर है आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है, वैसे ये डेकोरेशन के लिए ऐड कर दिए आइस ग्लेशियर। एंड गाइस यहाँ पे आपको पूरे मैप में आपको ये देखने को मिल जाती है ये जो आइस ग्लेशियर है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आइस ग्लेशियर में कुछ है नहीं ज़्यादा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे मैप में आपको देखने को मिलती है। सो गाइस यहाँ पे मत जाना फालतू में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलता। एंड गाइस जो विंटर कासल है वो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही जगह पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझको स्नोमैन एग देखने को मिल चुका है। सो गाइस यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको एग देखने को मिलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे स्नोमैन एंड जो फ्रोजन एग आपको देखने को मिलेगा जिससे आप जो स्टैचूज हैं वो बिल्ड कर सकते हो। सो गाइस ये पहले भी आया था पहले क्रेट में ही आपको देखने को मिलता था, बट यहाँ पे आपको विंटर कासल में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस जैसे आप लॉबी में आते हो वहाँ पे भी आपको 10 जो एग है आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस मिली थ्रोएबल ऑप्शन भी आपको मैं करके दिखा दूंगा थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉक वाला जो पहले आया था आपको याद होगा तो स्टैचू पहले आया था ये। एंड गाइस यहाँ पे अब मैं स्नोमैन एग था वो आप करके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्नोमैन एंड जो कॉक वाला जो पहले आया था वो यहाँ पे आपको दोनों स्टैचू आपको देखने को मिल जाएंगे इन जो एगो से। एंड गाइस यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ मिली थ्रोएबल ऑप्शन है। सो गाइस यहाँ पे इक्विप करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थ्रोएबल पे सेट करते हैं। सो गाइस सेट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फेंक सकते हैं मिली, एंड उसके बाद आप हटा भी सकते हो इसको बहुत ईजिली। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्नोमैन एग है। एंड गाइस यहाँ पे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ये स्नोमैन एग है। एंड गाइस जो फ्रोजन एग है, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लॉबी में भी आपको जो 10 जो एग आपको देखने को मिलते हैं। सो गाइस अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो इससे स्नोमैन बनता है जो एग है। एंड गाइस जो विंटर कासल पैराडाइज की लोकेशन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में आपको जो कामिश्की की साइड एक ही जगह पे आपको विंटर कासल जो पैराडाइज वो आपको देखने को मिलता है अगले मोड में जो अगली अपडेट में आएगा। सो गाइस यहाँ पे जो वेदर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा वेदर है जो कर दिया है। एंड गाइस जो यहाँ पे नेड का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। एंड गाइस जो यहाँ पे आपको मार्किंग दिखाई देती है मैप में वो गाइस वो भी थोड़ी सी डार्क कर दी है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पे जो ग्रेनेड का जो इफेक्ट था फूटने का गाइस वो भी चेंज कर दिया है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेनेड का इफेक्ट जैसा चेंज कर दिया है अगली अपडेट में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी चेंज कर दिया है। एंड गाइस जो स्मोक था वो आप यहाँ पे 1 सेकेंड में खुला करेगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सेकेंड में खुल जाया करेगा, यहाँ पे जो 5 सेकेंड लगती हैं सो गाइस वो नहीं लगा करेंगे अब। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेड का इफेक्ट था वो स्लो मोशन में देख सकते हो कैसा होगा अगली अपडेट में। सो गाइस यहाँ पे जो पाइन ट्री की बात करें, सो गाइस यहाँ पे पाइन ट्री एंड पाइन हर्ट आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस इसके पास जाओगे तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डेकोरेट का जो पाइन ट्री है आपको। सो गाइस यहाँ पे जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डेकोरेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सो गाइस करोगे तो गाइस यहाँ पे इंटरेक्शन करेगा आपका बंदा। एंड गाइस यहाँ पे आपको लेवल 3 की लूट देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आपको कुछ और आइटम्स देखने को मिल जाते हैं डेकोरेट करने पर। एंड गाइस जो पाइन ट्री पाइन हट है उसकी बात करें, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पाइन हट आपको ऐसी देखने को मिलती है। सो गाइस अंदर जाओगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक ट्री देखने को मिल जाता है एंड कुछ यहाँ पे गिफ्ट देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस ये जस्ट डेकोरेशन के लिए ऐड किया। एंड गाइस यहाँ पे कुछ स्टैचूज देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस जो स्टैचूज हैं ये आउटफिट प्रोबेबली सीजन 16 में आ सकती हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी देखने को मिल जाती है लास्ट सीजन वाली जो सीजन 11 में आई थी जो जैसा विंटर मोड ऐड किया। तो गाइस यहाँ पे एक और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टैचूज आपको देखने को मिलते हैं। एंड गाइस जो
दूसरी लोकेशन है वो आपको हॉस्पिटल के थ्री वेयरहाउसेज है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे डेकोरेट पे क्लिक करते हो तो देखते हैं हम यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है। सो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो हमको लेवल थ्री की वेस्ट देखने को मिल जाती है। सो अगर यहाँ पे आपको लेवल थ्री का आइटम देखने को मिल जाता है। सो गाइज ऐसे आप कर सकते हो। एंड गाइज जो थर्ड लोकेशन है वो आपको पोचंकी की साइड देखने को मिल जाती है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद है तो अगर लाइक करके जाना, चैनल पर तो अगर जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।